मिलाए जाते थे संडे टू संडे। मम्मी जबरदस्ती मिलाती, एक पत्थर और रखती साथ में और उसे रगड़ रगड़ के मेल निकाल लेती। अच्छा आजकल तो सिस्टम बदल गया, बच्चा स्कूल जाता है तो एक हाथ में मम्मी पानी की बोतल लेती है सर, एक हाथ में उसका 10 किलो का बैग, उसके यहाँ टाई बांध देती है, एक आई कार्ड और लटका देती है, यहाँ रुमाल और बांधती है। हमारे जमाने में ये सिस्टम नहीं था। 3 लाख के लिए पड़े तब तक तो घर से बाहर नहीं निकलते, पीछे मुड़ के और कहते मम्मी छुट्टी है ना आज, बेचारी पढ़ी लिखी भी थी, संडे को ही भेज देती कि घर का टेंशन खत्म। अच्छा हमारे रुमाल कौन बांधते माँ जी? जहां रुमाल बांधना था जेब में उसका एक कोना तो हमेशा लटकता रहता था, छोटे थे रुमाल बांधे भी तो कहां बांधे, और रुमाल की जरूरत थी भी नहीं हमें, हम तो सेल्फ थे। और ज्यादा ही जोश में आ रहा था तो शाम तक चांदी के पटाड़े जम जाते थे हमारे, तो जीरो बार जलती रहती घुसती रहती थी हमारी। लेकिन साहब हमारी और आपकी जो माँ है वो माँ किस्म की माँ है। मेरी माँ अपने आंचल के गांठ में 4 आने 8 आने 10 रुपए 15 रुपए बांध के रखती थी। उस बिचारी के पास पेटीएम एटीएम नहीं था, ऐसा लगता था जैसे उसके आंचल के गांठ में कोई कुबेर का खजाना छुपा हो। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। अगर बड़ा हो गया मेरे पास वॉलेट एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब है, लेकिन उस बूढ़ी माँ को देने के लिए आज भी मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब भी मैं अपने बूढ़ी माँ के आंचल की गांठ खोलता हूँ बाऊजी, हजारों दुआएं मेरे लिए तब भी निकलती है। बहुत अच्छे। क्या जमाना था साहब, नहाते नहीं थे मिलाए जाते थे, सोते नहीं थे सुलाए नहीं, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। और ये जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे ये हमें अब मालूम चला जब मैं अपने बच्चे को जबरदस्ती सुलाता हूँ। ये ताली वो ही लोग बजा रहे जो आज भी अपने बच्चे को जबरदस्ती सुलाते हैं, जा बेटा होमवर्क हम कर लेंगे। सर जब भी कोई मेहमान आता ना तो जब भी कोई मेहमान आता तो 10 रुपए निकालती कि बेटा मेहमान आए गुलाब जामुन लेकर आ, मैं भाग के जाता गुलाब जामुन लेकर आता, कच्चे आंगन को लीप कर आसन बिछाते, एक कटोरी थाली रखते थे, एक कटोरी गुलाब जामुन की भी रखते थे। मेरे संस्कार देखना मैडम, पिताजी ने सिखाया है, मेरे संस्कार देखना, मेहमान के सामने कभी नहीं बैठा, मेहमान से नजर नहीं मिलाई, नजर पूरी की पूरी गुलाब जामुन की रहती। रोटी और लो, पानी लाओ हाथ धोने हो तो। मेहमान कहता बेटा 2 गुलाब जामुन और ले आओ, मन करता 10 थप्पड़ खींच कर। ये मेरे संस्कार थे। मेहमान चाहता तो उसके पांव छूते 3-4 बार, 5-6 बार पांव छूते, फिर भी उसको ध्यान नहीं पड़ती क्यों छू रहा, तो उसका कुर्ता खींचते वो जेब में हाथ डालता, हमारे सांस में सांस आते, वो 2 रुपए निकालता और पापा बीच में आते, अरे हाँ बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चा बिगड़ जाएगा। फिर पापा को जो कहते क्या है ये गुलाब जामुन की सब खा गया ना, 2 रुपए तो देने दो यार, 2 रुपए में कौन बिगड़ता है। लेकिन वो हमारा बचपन था साहब, वो साइकिल का पहिया क्या 10 किलो के बस्ते, 98-99% ला रहे बच्चे, जैसे 99% लाते मैं कभी समझ में कोई भी फालतू बात नहीं करूंगा, कोई बात धमकी कह के जाऊंगा, जैसे ही बच्चे 98-99% ला रहे उनको कोचिंग डाल रहे हैं, जाओ इंजीनियर बनो डॉक्टर बनो फलाना बनो ढीकड़ा बनो, यार जो नहीं कर पाए वो जबरदस्ती हमारे बच्चे से कर पाए, और वो बच्चे डिप्रेशन के पेशेंट होकर सुसाइड कर रहे हैं। सच कह रहा साहब, मेरे गांव के दादाजी और ये लोग बड़े लोग बैठे हैं, इन्हें डिप्रेशन का नाम नहीं सुना कभी, कभी डिप्रेशन क्या होता है उसका नाम नहीं सुना, 15-15 साल के बच्चे डिप्रेशन के पेशेंट है। हमारे गांव में दादाजी को सुबह मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाए तो शाम को वापिस चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं गांव के। भाई जी पूर्ण है, शंकर की लुगाई दिख रही है यार।
अब इनका ऑयल डिप्लेशन 10 किलो के बस्ते 98 मेरे पहली से दसवीं तक जोड़ो तो 98 की बने। इनके बस्तों में किताबें देखो अंग्रेजी की चक्कर आ जाए। हमारे बस्ते में क्या रहता था? इमली के बीज, बेर की गिटली, विद्या माता के पौधे। हम समझते विद्या इसी से आई थी, छह गोटी कंचे और चार पांच हवाई जहाज जो हमेशा हम नूरजा पर छोड़ा करते थे। अब बताओ हमारे कहां से आए 98%। लेकिन हम डिप्रेशन के पेशेंट नहीं बने साहब। हमारे गांव के लोगों ने सिखाया जिंदगी मस्ती से जियो। तो दादाजी ने बुलाया, बोला बेटा मैं मर जाऊं ना तो सामने वाले गुप्ता जी के घर की औरतों को बुलाना रोने के लिए। मैंने कहा उनको रोने के लिए क्यों बुलाऊं? अपने घर में औरतें क्या कम है क्या? और अपने घर की औरतें क्या कम रोती है क्या? दिन भर रोती रहती है। बोला तेरे को कहूं जितना काम करा करो तो उनको बुला ना रोने के लिए। अरे उनको उनको क्यों बुलो रोने के लिए? बोले यार क्या मुर्दे से लिपट लिपट कर होती है यार। हम मरने के बाद तक की मस्ती जिंदा है तो हमारे बच्चे कैसे डिप्रेशन के पेशेंट हो सकते हैं? क्या आनंद लेने वाले लोग हैं साहब। हम लोग मुंबई आया पहली बार, फर्स्ट टाइम जब मुंबई आया था, हमारे गांव के बच्चे आठवीं फेल या पास हुए भी हुए मुंबई आ जाते, फिर वहां दुकान में पोछे लगाना करना सब कुछ करते रहते हैं साहब। और जब दो महीने बाद वापस काम आते हैं तो उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ए, तुमको मालूम नहीं है हम लोग इधर बहुत इधर ऐसा है ना, हम लोग ऐसा करते हैं ना मुंबई में। मैंने कहा थप्पड़ मारूंगा सीधा और सीधा। मुंबई जब मैं आया ट्रेन में बैठा, मैंने कहा भाई मुझे गोरेगांव उतरना है। ए ये विरार फास्ट है, ये गोरेगांव।